हम देखने वाले हैं चैन सर्वेइंग में सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको चैन सर्वे के न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो टोटल चार फॉर्मूले हैं, आज हम इन्हें देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स बेसिक सिविल में एग्जाम में जरूर आते हैं फर्स्ट ईयर में। तो देखते हैं, ट्रू लेंथ इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ, पहला तो हो गया ट्रू लेंथ का फॉर्मूला। तो ये मेजर्ड लेंथ जो दी जाती है हमें क्वेश्चन में, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड फार्मूला आपका है ट्रू एरिया, ट्रू एरिया का फार्मूला है ट्रू एरिया इक्वल्स टू एल वन अपॉन एल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया। इसके बाद यहाँ पर एरिया पर ये देखिए स्क्वायर लगा है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। तो नेक्स्ट है आपका ट्रू वॉल्यूम का, ट्रू वॉल्यूम यानी आयतन। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है एल वन अपॉन एल इंटू मेजर डिस्टेंस और ये 3 की पावर। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपको तीन फॉर्मूले जो हैं बहुत ठीक अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर एल आपका क्या है, एल है लेंथ ऑफ द चेन और एल वन क्या है एल प्लस ई, ई है यहाँ पर एरर, जो हमारा एरर आता है वो उसे हम लेंथ ऑफ चेन में जोड़कर एल वन निकाल लेते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ लाइन वाज मेजर विथ 20 मीटर चेन। तो एक लाइन है जो 20 मीटर की चेन से मापी गई है एंड इट वर्क आउट टू बी 700 मीटर आफ्टर मेजरिंग द लेंथ। इट वाज फाउंड दैट द चेन वाज 0.08 मीटर टू शॉर्ट, व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 700 मीटर की जो हमारी दूरी है वो एक 20 मीटर चेन से मापी गई है और एरिया मापने के बाद जो लेंथ है वो हमारी चेन पाई जाती है, जब हम चेन को मापते हैं तो 0.08 मीटर जो है पाई जाती है, छोटी होती है, 0.08 मीटर छोटी होती है। और यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। तो ट्रू लेंथ जो है हमें निकालनी है, तो हमने इससे पहले अभी फॉर्मूला देखा है ट्रू लेंथ का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर लेंथ दी गई है चेन की, तो L दिया गया है 20 मीटर और L1 जो है हमें निकालना पड़ेगा और एरर हमें दिया गया है 0.08 मीटर, तो L और एरर से हम ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मेजर डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस आपको दी गई है, आपको यहाँ पर लिख लेना है मेजर डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस है 700 मीटर। इसके बाद L, L आपका क्या है लेंथ ऑफ चेन है, तो लेंथ ऑफ चेन दी गई है 20 मीटर। इसके बाद आपको एरर, एरर आपको दिया गया है 0.08 मीटर, तो एरर आपको लिखना है 0.08 मीटर। इसके बाद हम यहाँ पर L1 निकालेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में ही वैल्यू रखनी है। तो L1 जो हमारा हो जाएगा, L1 हो जाएगा हमारा L माइनस ई, यही होता है हमारा L1। तो ये हो जाएगा, L की वैल्यू है 20 मीटर, तो 20 माइनस और E की वैल्यू है 0.08 मीटर। इसे हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.92 मीटर। तो यहाँ पर हमें L1 की जो है वैल्यू मिल चुकी है 90.9 मीटर। तो अब हम मेजर ट्रू लेंथ का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो L का हमें वैल्यू पता है, L1 की भी वैल्यू पता है, तो हम जल्दी से यहाँ पर L जो ट्रू लेंथ का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं। ट्रू लेंथ का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ट्रू लेंथ इक्वल्स टू L1 अपॉन L इंटू मेजर्ड डिस्टेंस, मेजर्ड डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर मेजर्ड डिस्टेंस पहले से क्वेश्चन में दी गई है 700 मीटर, और यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं L1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, L1 की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 90.92 मीटर और L की वैल्यू दी गई है 20 मीटर इंटू मेजर डिस्टेंस कितनी है 700 मीटर है, तो मेजर डिस्टेंस भी यहाँ पर हम लिख लेंगे और ये हो जाएगी आपकी ट्रू लेंथ। तो यहाँ पर
जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये होगा 697.2 मीटर। ये आपकी आ गई ट्रू लेंथ। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लायन, तो आप हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो आप देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है और आसान भी है। तो इसके बाद हम और भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के लिए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं और वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी जाएगी। ये जो है हमारी ट्रू लेंथ है, यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।